सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फोकस वेब यूआई को कोलैब पे कैसे रन कर सकते हैं, प्लस इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसमें मॉडल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाई थी बट अभी उसमें इश्यूज आ रहे हैं, सो इसमें मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, पेस्ट बिन से इसे कॉपी करके और फिर पेस्ट कर देना। पर उससे पहले ये देख लेना कि आप टेस्ला T4 GPU सिलेक्ट कर रखे हो। सो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये 2 से 3 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। देन ये हो चुका है। आपको ये क्या करना है, इसे कॉपी करना है। ये क्या है, हमारा IPv6 का पासवर्ड है। इसे कॉपी करके हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस टनल वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। देन आपको ये इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, देन सबमिट। देन आप जुपिटर नोटबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसका पासवर्ड कॉपी कर लेना है। आपको इस टोकन को इज इक्वल टू साइन से कॉपी करना है, ओके। और फिर इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, देन लॉगिन। अब यहाँ पे आपको जाना है फोकस वाले फोल्डर में कोलैब, फोकस कोलैब IPYNB, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आके आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस वाले सेल को सिलेक्ट करके अब आपको इसको रन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्या करेगा ये फोकस को इंस्टॉल करेगा और उसको रन कर देगा। सो अभी इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सो रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक मॉडल्स डाउनलोड होएगा, मॉडल एक डाउनलोड होएगा जो इसके साथ डिफ़ॉल्ट आता है। सो वो 6 GB का, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। सो यहाँ पे हम अभी वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड नहीं होता है। आप देख सकते हैं रनिंग ऑन लोकल यू आर, रनिंग ऑन पब्लिक यू आर एल। ये पब्लिक यू आर एल है, आप इस पर क्लिक करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। ये बहुत अनस्टेबल नेटवर्क रहता है इसका, ये 1 घंटे तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल में ओपन करने के बाद आपको इस पेस्ट बिन पे चले जाना है अगेन, और आपको यहाँ पे सबसे नीचे इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। ये क्या करेगा, ये एक टनल क्रिएट करेगा, ये पोर्ट को फॉरवर्ड करेगा 7865 को। फिर आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक पासवर्ड है, इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे, देन इस पर चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अगेन आप इसी वाले पेज पे आ जाएंगे। देन आपको पासवर्ड पेस्ट करके क्लिक सबमिट। उसके बाद आपका फोकस का वेब UI ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं फोकस का वेब UI ओपन हो चुका है। अभी आप वीडियो को पूरा देखना, मैं इसमें अभी एक इमेज को जनरेट करके दिखाता हूँ। अभी मैं एक इमेज जनरेट करता हूँ, उसको मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, केक विद आइस इफेक्ट। मैं केक बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक आइस इफेक्ट आए, सो लेट्स जनरेट दैट।
चाहो तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये एक इमेज जनरेट हो चुकी है, पर इसमें कोई आइस इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैं आपको मॉडल्स को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मॉडल इंस्टॉल नहीं है, चेक पॉइंट्स भी कोई सा इंस्टॉल नहीं है। सो आपको क्या करना है, इस वाले पेज पे चले जाना है, देन आपको इस स्मॉल फाइल वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है, देन गो टू फोकस, फोकस में जाके आपको मॉडल्स पे जाना है, गो टू मॉडल्स, मॉडल्स में अगर आप लोरा इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करना है आपको, और अगर चेक पॉइंट्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो पहले वाले पे। तो मैं लोरा इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं लोरा पे क्लिक करूँगा, और आपको क्या करना है, ये पाथ, इस पाथ को कॉपी करना है, उसको कॉपी कर लेना, और आपको यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। न्यू टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारा न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हम कमांड इधर डालेंगे सीडी, अब हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जो हमने पाथ कॉपी किया था। सो हम इस पाथ के अंदर आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब आपको savetai.com इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल सकते हैं। सो अब हम मॉडल्स वाले टैब में चले जाएंगे, और अब हम मॉडल्स वाले टैब में आ चुके हैं। आप फिल्टर में जाके लोरा इस पर चेक जरूर कर देना, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप कोई से मॉडल्स को सर्च कर सकते हैं। मैं आइस इफेक्ट चाहता हूँ तो मैं कोई आइस वाला मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आइस वाला एक मॉडल है जो मेरे को अच्छा लगा, मैं इसे डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, इस डाउनलोड बटन पे राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी लिंक एड्रेस, इस लिंक एड्रेस को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस पे आ जाएंगे, इस पे आने के बाद आपको कमांड लिखना है डब्ल्यू गेट स्पेस कैपिटल ओ हाइफन कैपिटल ओ देन नेम, मैं नाम इसका डालता हूँ आइस डॉट सेफ टेंसर्स, आइस डॉट सेफ टेंसर्स SAFETENSORS। आपको यही नेम देना है, मतलब डॉट के पहले कुछ भी दे सकते हैं, पर डॉट के बाद ये सेफ टेंसर्स दे के देन आपको वो जो लिंक उसे पेस्ट कर देना। थोड़ी देर में आपका वो मॉडल को डाउनलोड कर देगा। ये मॉडल डाउनलोड हो चुका है आइस डॉट सेफ टेंसर्स नाम के फाइल से, देन रिफ्रेश ऑल फाइल, वेब यू आई पे जाकर रिफ्रेश ऑल फाइल पर क्लिक करेंगे, देन आइस सेफ टेंसर्स यहाँ आ चुका है। अब मैं इसे अनचेक करके इसका थोड़ा वेट को बढ़ा देता हूँ। अब सेम प्रॉम्प्ट के साथ अब जनरेट करते हैं इमेज, आप देखेंगे क्या होता है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इस जगह पे, क्योंकि ये इमेज जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केक है जिसमें अच्छा खासा आइस इफेक्ट आ चुका है। सो आप ऐसे के अंदर मॉडल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको और कोई चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।